गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस। 11th बिजनेस स्टडीज में ये हमारे पास टॉपिक आता है और बिजनेस का एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आज आपको अपनी फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। कोऑपरेटिव होता है सहयोग और सोसाइटीज मतलब कि संस्था है, मतलब कि सहयोग से चलने वाली संस्था है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कुछ लोग अपनी सहमति से किसी संस्था का निर्माण करते हैं और वो लोग अपने मेंबर्स का, जो भी संस्था में लोग जुड़े होते हैं, उन मेंबर्स को किसी न किसी फॉर्म में हमेशा फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन क्रिएटेड बाय इट्स मेंबर फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। क्लियर है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स क्या है? जैसे सबसे पहले फीचर्स है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप से मीन है वॉलेंट्री होता है अपनी इच्छा से। इसके अंदर जो भी मेंबर बनते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो हर एक मेंबर अपनी इच्छा से मेंबर बनता है, अपनी इच्छा से ही आता है संस्था में और अपनी इच्छा से ही अगर वो जाना चाहे तो छोड़ करके जा सकता है। लीगल स्टेटस, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक्ट लगता है 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये पूरी तरह से लीगल होती है। इस टाइप की संस्थाओं को जो है गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट बनाया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, उसके थ्रू रजिस्टर्ड करवाना होता है, तभी जाकर ये संस्था जो है वो आ पाती है समाज में। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी से मीन है कि इस संस्था में जुड़े हुए हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व है, वो लिमिटेड है। जितना रुपया उसने इन्वेस्ट कर रहा होगा इस संस्था में, कल को अगर लॉस होता है तो सिर्फ उतने रुपए तक ही वो लाइबल है संस्था में देने के लिए, ज्यादा रुपए देने के लिए लाइबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ और उसमें मैंने 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया और कल को अगर लॉस हो जाता है 50 लाख तक का, तो मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक के लिए ही लाइबल हूँ, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं हूँ। ठीक है? कंट्रोल, इस टाइप की जो संस्थाएं होती है उसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो डेमोक्रेटिकल वे में काम करता है। डेमोक्रेटिकल से मीन है कि यहाँ पे हर एक जो मेंबर है सबके पास इक्वल राइट होता है, अपनी मर्जी से वो संस्था का प्रेसिडेंट को चुनते हैं और वो जो कंट्रोल होता है, जो भी डिसीजन होता है, संस्था के सभी मेंबर्स मिलकर के उस डिसीजन को लेते हैं। ठीक है? सर्विस मोटिव, मेनली इन संस्थाओं का काम क्या होता है, इन संस्थाओं का काम जो है अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देने का काम होता है ताकि वो मेंबर्स उनको फायदा पहुंच सके। ठीक है? इक्वल वोटिंग राइट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इक्वल वोटिंग राइट से मीन है कि इस संस्था में काम करने वाले हर एक मेंबर को, जैसे कि देखिए इसमें कम से कम तो 10 और ज्यादा से ज्यादा 100 मेंबर्स हो सकते हैं। मान लीजिए 100 मेंबर की एक संस्था बने तो उसमें हर इंडिविजुअल पर्सन के पास अपना एक वोटिंग राइट होता है, अपनी मर्जी से वो वोट करके संस्था के प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, संस्था में लिए जाने वाले डिसीजन के रिगार्डिंग अपना वोट दे करके जो है वो डिसीजन को मनवा सकते हैं। और हमेशा जितने भी हम ये चीज हमें पता ही है कि अगर मतलब सभी के सभी लोग सहमत ना हो पाए तो जहाँ पे मेजोरिटी होती है वहां पे जो है वो डिसीजन ले लिया जाता है। ठीक है? डिस्पोजल सरप्लस, अगर देखिए इस संस्था में अगर कुछ एक्स्ट्रा रुपया बच जाता है एज ए प्रॉफिट के रूप में, जैसे मान लीजिए संस्था ने 10 लाख रुपए अरेंज किए, 10 लाख में से उस संस्था ने जो है गुड एंड सर्विसेज को परचेज किया और बेचने का काम किया और संस्था ने 12 लाख रुपए कमा लिए, 2 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए क्योंकि 10 लाख तो खर्चा हुआ प्लस 12 लाख में बेच दिया तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, तो उस प्रॉफिट को वो कैसे बांटेंगे? तो बांटने में उन्होंने कुछ हमारी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 ने कुछ स्टेटस जो है डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा कि जितना भी सरप्लस बचता है उसका भाई 25% रुपया तो जनरल रिजर्व में डाल देना चाहिए। जनरल रिजर्व क्या होता है? वो संस्था के पास ही रहता है, मतलब ये कैसा रिजर्व होता है, गुल्लक की तरह होता है ना, गुल्लक होता है फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, तो ये संस्थाएं अपने पास एक गुल्लक के तौर में उस 25% रुपया डाल देते हैं, कल को भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना है, काम करना है, उससे रिलेटेड लॉसेस को या एक्सपेंसेस को देखना है, तो उस अनसर्टेन लॉसेस के लिए हम अपने कुछ रुपए को आज ही सेव करके रख लेते हैं। ठीक है?
तो टोटल जितना भी सरप्लस होगा, जैसे लाइक 2 लाख रुपए का सरप्लस था, 2 लाख का 25% कितना होता है 50,000, तो 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में डाल दीजिए, किसी मेंबर को नहीं मिलेगा वो 50,000 रुपये, ठीक है। 10% डिविडेंड के तौर पर, डिविडेंड होता है जिसने जितना रुपया इन्वेस्ट कर रखा है संस्था में उसके हिसाब से उसको डिविडेंड दे दिया जाएगा, क्लियर है। 10% सोशल वेलफेयर पे भी ये खर्च करते हैं, समाज को विकसित करने के लिए, अच्छी बात है ये भी। और अगर कोई रुपया बच जाता है तो वो मेंबर्स में बांट दिया जाता है, क्लियर है ये वाली चीज, समझ गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट है कैश ट्रेडिंग। इस टाइप की जो संस्थाएं होती है मोस्टली अपने गुड एंड सर्विसेज को कैश में बेचती है, भले वो मेंबर्स हो या फिर आउटसाइडर हो। ये जरूरी नहीं है कि आउटसाइडर को माल नहीं बेचेंगे, सिर्फ मेंबर्स को बेचेंगे, आउटसाइडर को भी माल बेचेंगे, लेकिन मोस्टली अपनी ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, ठीक है। अरेंज ऑफ फाइनेंस, इस टाइप की संस्थाओं को रुपया कहां से मिलता है काम करने के लिए, इस टाइप की संस्थाओं को रुपया का मेन सोर्स है इसके मेंबर्स। सबसे पहले तो मेंबर्स रुपया इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड ये आम जनता से उधार भी ले लेती है, थर्ड ये बैंक से लोन भी ले लेती है, फोर्थ गवर्नमेंट खुद इनको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट खुद इन्हें टाइमली जो है लोन प्रोवाइड करवा देती है, बजट में भी जो इनके लिए कुछ जो बजट इनके लिए पास करते हैं ताकि इनको जो है लोन या फाइनेंस इनको मिलता रहे, ताकि ये संस्थाएं अच्छे से काम करते रहे। क्योंकि देखिए काम तो समाज के लिए कर दिए ना, तो समाज के लोगों को फायदा ही मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, इस टाइप की जो संस्थाएं होती है उनमें गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखिए इस टाइप की संस्था में जो है बहुत तरह के लोग जुड़ते हैं, अलग अलग रिलीजन से जुड़ते हैं, अलग अलग कास्ट से जुड़ते हैं, ठीक है। तो उस केस में हर एक पर्सन के साथ इक्वली राइट हो, किसी का कोई एक्सप्लोइजेशन ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। और ऊपर से ये संस्थाएं बिना रजिस्ट्रेशन के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होती है, तो जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं इस संस्था में वो फॉलो करवाए जाते हैं पूरी तरीके से, क्लियर है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोई आपसे पूछ ले कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करना जरूरी है? बिल्कुल है, मैंडेटरी है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करनी होगी। तो कोई पूछे आपसे कि कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप उसे एडवाइस दीजिए कि आपके स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कोर्ट होगी जहां पे आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक संस्था बननी होगी, वहां पे जाइए, वहां से आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भरिए, उस फॉर्म के अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम, मेंबर्स की डिटेल, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, किस टाइप की वो संस्था है, वो सब आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद जो है वो जो भी हमारी कोर्ट है उसमें उस फॉर्म को जमा कर दीजिए। कोर्ट देखेगा कि क्या वो सभी मेंबर मिलकर एक लीगल काम कर रहे हैं, एक लीगल सोसाइटी बनाई गई है, सब चीज वेरीफाई होता है। तो एक छोटी मोटी जो फीस होती है गवर्नमेंट के पेड की जाती है, और गवर्नमेंट जो से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होने का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देती है, फिर वो काम कर सकती है, क्लियर है इतनी चीज। ये है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात करते हैं ऑफिस बियरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए हर एक संस्था को चलाने वाले तो मेंबर्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी मेंबर्स संस्था को नहीं चलाते। मेंबर्स आपसी सहमति से कुछ मेन लोगों को सिलेक्ट कर लेती है जो संस्था को चलाने का मेनली काम करते हैं। तो उसमें वो मेंबर्स, एक तो प्रेसिडेंट हमेशा सिलेक्ट किया जाएगा, जो प्रेसिडेंट जैसे आपके भी होंगे ना आस पड़ोस में, जैसे आपकी खुद की भी मोहल्ले के वाइज जो है सोसाइटीज बन जाती हैं, और बड़ी बड़ी अगर आपके पास में जैसे जो अगर हम दिल्ली नोएडा जैसी कुछ मेट्रो सिटीज की बात करें जहां पे सोसाइटी एरियाज होता है, वहां पे तो सोसाइटी के लिए भी एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। सभी मेंबर्स मिलके जो भी सोसाइटी में जिनके घर होते हैं एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। एक वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया जाता है, एक सेक्रेटरी जिसके पास जो है सारा फाइनेंस का लेन देन का काम होता है, एक होता है ट्रेजर जो सारे रुपए को संभालने का काम करता है। ये कुछ चार जो है मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। पार्टनरशिप क्या होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, सोल ट्रेड क्या होता है, आप सबकी कंपेरिजन कर सकते हो इसके साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। मैं एक पार्टनरशिप की कंपेरिजन ले रहा हूँ, बाकी के आप खुद कर सकते हैं कि भाई सोल ट्रेड और इसमें क्या फर्क है, ठीक है ना, उन्हीं बेसिस पे। तो सबसे पहले बात की जाए एक्ट की। पार्टनरशिप में एक्ट कौन सा लगता है? 1932। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्ट कौन सा लगता है? उसमें 1912 का एक्ट लगता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन की बात करें
कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने क्या बताया था, पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो रजिस्टर्ड, ना चाहो तो ना भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। म्यूचुअल प्रॉफिट, इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर, सॉरी पार्टनरशिप वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो किस में डिवाइड होता है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो प्रॉफिट होता है किस में डिवाइड होता है, मेंबर्स के बीच में डिवाइड होता है, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है पार्टनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए, पार्टनर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहुंचाई जाती है जो उसके मेंबर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, उनका बेनिफिट करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनमें कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 100 जो है मेंबर हो सकते हैं, क्लियर है। तो मैंने आज आपको इन चीजों के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक के रिगार्डिंग, तो जो है मेरी लास्ट वीडियो से भी आप मेरे फोन नंबर ले सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, 7988967705 या 8950804416। ये मेरे कुछ व्हाट्सएप नंबर और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी भी फोन कीजिए, डिटेल मैं आपको वहां से दे सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चले फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, गुड लक।